शुभोदय बच्चों, हाँ हम लोग आपके सामने इस तरह आने के लिए बहुत खुशी हो रही है। आशा करती हूँ आप लोग भी घर में अच्छा होंगे, आपके परिवार के साथ अच्छा मस्ती करे होंगे ये लॉकडाउन में। तो अभी पढ़ने का टाइम तो आ गया, अभी इसी तरह हम लोग मस्ती करते रहेंगे तो पढ़ाई में रुच आएगी, लेकिन हम लोग पढ़ाई तो जरूरी है। ये तो मुश्किल तो आते जाते रहेंगे, मगर हमने पढ़ाई को बरकरार रखना चाहिए। तो आइए अभी हम लोग आपको पढ़ाने के लिए अभी सातवीं कक्षा की पढ़ाने जा रही हूँ। पहले बार मन करता है, पहले बार मन करता है। अभी यहाँ पे मन मन यानी अपनी अंदर का जो इच्छा, उसी को जो कहते हैं हम मन की बात कहते हैं। तो बच्चों की मन क्या करना चाहते हैं, उनकी मन क्या करने के लिए सोच रही है, इस बात पर सुरेंद्र विक्रम जी ने बच्चों की मन के बारे में उन्हें बहुत पद्य लिखे हैं और कविता लिखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानी भी लिखे हैं। तो बच्चों की मन के बारे में इन्हों PhD करें। तो बच्चे की मन क्या क्या करने के लिए सोचते हैं, उन लोगों की मासूम की बच्चे क्या कहते हैं, पूरी जानकारी बच्चों की मन की पूरी जानकारी में इन्हों PhD करें। इनका जन्म 1 जनवरी पहले तारीख को 1960 में इनका यूपी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में जनवरी पहले तारीख को 1960 में 1960 में इनका जन्म हुआ है। तो अभी इनका बच्चों से ज्यादा लगाव रहने पर और इन्होंने हमेशा सोचते हैं कि बच्चे की मन क्या करने के लिए चाहते हैं। अभी हम लोग कभी गुस्से में बच्चों को डांटते हैं क्योंकि उनकी मन क्या रहना चाहते हम लोग नहीं जानते। इसी के बारे में बहुत कोशिश करने के बाद अभी एक कविता लिखे है। अभी आइए यहाँ पे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। एक लड़का जैसे रॉकेट में बैठ कर तारों पर जा रहा है और एक लड़का पैराशूट लगा कर हवा में उड़ रहा है और यहाँ पे सब तारों के पास चंदा हंस रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फूल खिला है और हरा हरियाली पूरा प्रकृति में बच्चे कितना
बनकर आसमान में दौड़ लगा। मन करता है, बच्चों का मन क्या करता है? सूरज बनकर, जैसे सूरज के बिना अपना दिन शुरू नहीं होती है, तो उनका कितना महत्व है अपने दुनिया में। तो उसी तरह बच्चों है, उनकी मन क्या करता है? जैसे सूरज की बनकर, सूरज बनकर, सूरज बनकर, सूरज कहाँ रहते हैं? आसमान में। आसमान में धौड़ लगा, यहाँ पे धौड़ यानी अभी हम लोगों का दिन शुरुआत के समय उन्होंने इस तरफ रहते हैं, मतलब हमारे भाई तरफ रहते हैं, और जैसे शाम होते ही उन्होंने भाई तरफ अस्त होते हैं। उसी तरह बच्चे के मन में क्या सोचने लगा है? जैसे सूरज ने आसमान में दौड़ लगा रहा है, दौड़ देती है, तारों की रोशनी।
बच्चे क्या कह रहे हैं देखो, सब तारों पर अकड़ चुका हूँ, मतलब देखे हुए इतना रोशनी से रह रही हूँ, मैं तारों से बढ़कर रोशनी दे रही हूँ। इसी तरह मेरा मन भी कह रही है, चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखा हूँ। अकड़ मीन्स चंदा यानी मून।
showing